उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव तक निर्माणाधीन सुरंग के अंदर भूस्खलन होने से दिवाली पर बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी की घटना की जानकारी ली है। उन्होंने सीएम धामी को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस हादसे से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने के लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि लेपचा हिमाचल प्रदेश से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन के माध्यम से आज उत्तरकाशी के सिलक्यारा के पास टनल निर्माण के समय मलवा आने की वजह से टनल में फंसे मजदूरों की स्थिति, राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए संचालित बचाव कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, साथ ही स्थिति से अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को राहत और बचाव कार्यों में सहयोग करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। देखिए, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ एसडीआरएफ पहुंच चुके हैं मौके पर। जो अभी मेरी बात हुई है यहाँ पे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं एनएचआईडीसीएल के, तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि टोटल 36 जो है उनके रिकॉर्ड के हिसाब से जो है अंदर अभी ट्रैप्ड हैं, और ये सूचना जो है तड़के जल्दी की बताई जा रही है 6-7 बजे के लगभग की। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है टनल का, इससे लगभग 200 मीटर आगे की घटना है जिसमें 50 मीटर का जो प्रोजेक्शन है टनल का ऊपर से वो धंस गया है। तो अभी जो है हम जो भी इक्विपमेंट्स है मशीनरी है वो सब यहाँ पे रोप इन कर लिया गया है, और जो रेस्क्यू है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसको जल्दी ख़त्म कर लिया जाएगा और सबको सेफली निकाल लिया जाएगा। जो एक ऑक्सीजन पाइप जो है अंदर पहुँचा दिया गया है और ऑलरेडी ऑक्सीजन अंदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेफ होंगे। अभी कोई जनहानि या कैजुअलिटी कोई सूचना नहीं है। देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी यहाँ पे पुलिस फोर्स और इंडिया